नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमेश राज ब्लॉग में। सो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं पूर्वजों का मड़ई में, ये देखिए। और भी बच्चे आए हुए हैं सभी साफ सफाई करने के लिए। हर एक साल पूजा होता है दोस्तों, और जितिया के बाद और दुर्गा पूजा से पहले हम लोग का पूजा होता है यहाँ पे मड़ई। हम लोग का मड़ई जो पूर्वजों ने यहाँ मान रखे हैं, उसी मड़ई को आज हम लोग भी बरकरार मानते आ रहे हैं। तो उसी के साफ सफाई के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो ये रहा थोड़ी मेरा, ये देखिए अब काम में लगे हैं। चलो ला सूरज, ला, थक जाएगा, ला। अब हम भी करते हैं जल्दी से, सभी को मिलजुल के करेंगे तो जल्दी होगा। देखिए इधर करना है पूरा, ये सब भाई साहब सब ले सफाई करेंगे अभी। चलिए करते हैं। और ये देखिए भतीज भी आ गए हैं सफाई में। हम लोग का गांव का, पूरे गांव का है ना, तो हम लोग सभी को आके और मिलजुल के साफ सफाई करते हैं। और ये देखिए इधर पूरा हो गया है, सफाई कर दिए, बस इधर ही रह गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये सब को भी करते हैं। चलिए भतीज के लिए अब थोड़ा सा करेंगे और उसके बाद में चलेंगे। लिखना है ना, वो लोग लिखेंगे। हाँ, और देखिए उधर झाड़ू मार रहे हैं बच्चे सब। इधर परी है और इधर सरिता, और उधर देखिए उधर से भी आ रहे हैं, और बैल बकरी सब ले जा रहे हैं उधर जंगल तरफ चराने के लिए। और ये फूल का पेड़ है, साइड साइड में लगा दिए हैं। और बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा है दोस्तों, देखिए ये देखिए। हम लोग का पूर्वज जब बसे थे उसी समय यहाँ लगाए हैं। आजा दादा परिया का लगाया हुआ पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़। और इधर देखिए भाभी जी आ गए यहाँ, ये देवता सबको निपाई पोताई करेंगे। हम लोग इधर भी सफाई कर लिए और बैठे हुए हैं, देखिए। और उधर गुरुजी से बात हो रहा है। हाँ, हमारा ही पूजा है तो उनको बुला रहे हैं। हाँ, तो बात हो रहा है, चलिए बात कीजिए। हाँ, बात कर रहे हैं। और इधर देखिए, इधर रिपेयर कर रहे हैं। और ये देखिए गोबर वगैरह सब कुछ ला लिए हैं। और इधर देखिए सरिता भी पूरा लगी हुई है मेहनत से झाड़ू मारने में, उसके बाद में इधर निपाई पोताई होगा और रात में आज जागरण होगा दोस्तों। और कल पूजा है, आज एकदम देहाती कल्चर में आज ढोल नगाड़ा के साथ में आज झूमर यहाँ लगेगा का। हाँ, हम लोग हर साल ढोल नगाड़ा से ही हम लोग यहाँ जागरण करते हैं, यानी देवी देवता को जगाते हैं। हम लोग यहाँ साउंड वगैरह कभी नहीं लगाते हैं, मतलब करम, हम लोग का करम का त्यौहार यही हम लोग पूरे गांव के लोग मनाते हैं। लेकिन उस समय भी यहाँ ढोल नगाड़ा से ही हम लोग यहाँ जागरण करते हैं, यहाँ साउंड नहीं लगाते हैं। और इधर भी देखिए यहाँ पर भी निपाई पोताई हो गया है, ये देखिए। हम लोग का यहाँ मड़े का काम कंप्लीट हो गया। हाँ, हम लोग का ख़त्म हो गया, और अभी तो निपाई उपाय करना है, हम लोग करेंगे। हाँ, और अब हम लोग चलेंगे। हाँ, चलिए चलिए। काफ़ी एकदम धूप भी उग गया भतीज। पूरा एकदम धूप उग गया ना, पूरा धूप आ गया है दोस्तों। आज बरगद पेड़ था ना, इसीलिए हम लोग हाँ वहाँ पता नहीं चल रहा, नहीं चल रहा था, लेकिन इसका एकदम धूप लग रहा है ना, पूरा एकदम पूरा धूप लग रहा है। और ये देखिए हम लोग का छोटा सा गांव का नज़ारा। हाँ, ये रहा पहाड़ के किनारे हम लोग बसे हुए हैं ना। हाँ, हम लोग वीडियो में भी देखे होंगे कि इधर बाइक लेके जाते हैं। हाँ, सामने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इधर
हाँ कुछ नहीं लगता है, फ्रेश थोड़ा फ्रेश लगता है जो हुआ शाम सुन लिया। हाँ सन्नाटा के लिए हम घर आ गए और ये देखिए संध्या को कैसे ली है। हंसती है। और उधर देखिए गांव के लोग और रोड का काम चल रहा है दोस्तों नीचे तरफ, तो गाड़ी जा रहा है। हाँ हाँ चलिए पुजाल को रखते हैं। और ये देखिए संदीप सोया हुआ है, अभी दवा हुआ खा लिया संदीप? हाँ। ठीक लग रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। और सूरज इधर खेल के आ गया। सो दोस्तों संदीप का तो पहले जड़ी बूटी का इलाज करवाए, फिर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डॉक्टर से दिखाइए सीटी एक्शन कराइए, तो सभी कुछ करवा दिए हैं और अभी दवा खा रहा है और अभी अच्छा ही है, बस थोड़ा चलने फिरने का मूड नहीं करता है, थोड़ा गुमसुम रहता है, यही है। और आप लोग बहुत से कमेंट करते हैं कि अच्छे डॉक्टर से दिखाइए अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, तो उतना पैसा का भी स्रोत नहीं है कि कहीं भी हम ले जा सकते हैं। चलिए छत के ऊपर चलते हैं मकई घाटने। ये देखिए मकई को उठा लिए, देखिए पूरा जड़ हो गया है। चलिए पसार देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से कर लिए, अब सूखते रहेगा। चलते हैं अब नीचे। हम नीचे आ गए। चलिए टोकरी को यहाँ पे रख देते हैं और बैलों को खोलने चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बैलों के पास पहुँच गए, ये देखिए और एक बैल उधर है। चलिए खोल देते हैं, दोपहर में हम ही खोलते हैं दोस्तों। संदीप कभी कभी चराता था तो अभी भी उसका तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं अभी। चलिए खोल दिए, चलो दोनों बैलों को अब पहाड़ के किनारे ले जा रहे हैं। हाँ उधर थोड़ा बड़ा बड़ा घास है इसलिए उधर ही ले जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बैल सब एकदम फ्रेश पानी पी रहे हैं। वो देखिए दोस्तों जहाँ स्विमिंग पूल बना है उसी गड्ढा से झरना आता है, ऊपर से ही आता है। चलिए पानी पियेंगे और उधर कर देंगे परास बगान में, चरते रहेंगे। ये देखिए परास के बगान तरफ कर दिए और यहाँ पर बच्चे चढ़े हुए हैं देखिए। चलिए हम भी चढ़ते हैं, बचपन में चढ़ते थे, बहुत दिन के बाद में आज फिर चढ़ते चढ़ने जा रहे हैं। जय बजरंग बली। चढ़ गए, इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए और भी चढ़े हुए हैं इधर, अरे ये उतर रहा है। बचपन में इसी तरह पेड़ उड़ चढ़ते थे, अभी थोड़ा तो उम्र ढल गया तो अब नहीं चढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चों को देखे तो हम भी आज चढ़ लिए आज। चलिए मजा लेते हैं यहाँ पे टपक टपक, यहाँ भी आगे भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचे आराम से झूलिए, इधर झूला कोई दिक्कत नहीं, इधर से ही बच्चे लोग चढ़े हैं इधर से, क्या मस्त लग रहा है। बैल तो उधर मस्त से चल रहा है, हरा हरा घास खा रहे हैं, हम लोग भी इधर मजा ले रहे हैं। पेड़ के ऊपर बहुत देर तक रुके, चलिए अब नीचे चलते हैं, अब इधर से जाएंगे। वाह 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 वा, वा। हम उतर गए नीचे और इधर देखिए बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं ऊपर में, अपना बैल इधर चल रहा है और हम यहाँ रोड पे आ गए हैं और बच्चे भी सभी आए हैं देखिए, सभी मस्ती ले रहे हैं रोड का। और ये देखिए गाड़ी भी एक से एक चलता है, क्या मस्ती नज़ारा है पहाड़ का।
ये देखिए बच्चे सब आगे चले गए उधर और हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि इधर बैल सब को देखना ज़रूरी है, किसी का धान उनमें न चल जाए। इसलिए तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि सिर्फ जंगल झूल झाड़ दिखा रहे हैं, तो यही है तो क्या करें, हम लोग भी जो है वही दिखाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।